टेनिस क्रिकेट मुंबई में बहुत बहुत स्वागत है मेहताब आपका। जी भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस काबिल समझे मुझे कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मेहताब हमें अपना रैपिड फायर शुरू कर। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे किसी एक प्लेयर का नाम सुनते हैं आपके जहन में क्या आता है? रफीक। रफीक जी परफेक्ट प्लेयर। अरशद भाई। अरशद भाई एक कॉन्फिडेंट प्लेयर लगते मुझे। फरहान शाह। फरहान शाह एक एक बड़ा भाई जैसा लगता है, एक एक बोलते ना एक उनमें एक सीनियरिटी मुझे अच्छी लगती है, और जो है मतलब टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करते हैं मुमरा में एक वो एक लौते हैं जिनका टूर्नामेंट मुझे खेलने बहुत अच्छा लगता है। शानू भाई मीरा रोड वाले। शानू उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है और ना ही मैं उनके साथ इतना खेला हूँ, तो उन लोग का अलग लेवल है और अपना मुमरा का क्रिकेट बहुत अलग है, तो उनके साथ जितना खेलेंगे उतना जानने मिलेगा, तो उतना जानता नहीं मैं उन लोग को। जैसे कि हमने देखा है मुमरा में टर्फ को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बात हो रही है, तो इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? इस बात में मुमरा में जो टर्फ क्रिकेट है ये टर्फ क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है, तो इस बारे में क्या सोचते हैं आप? अगर माशाल्लाह अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर तो बहुत अच्छी बात रहेगी, स्पेशली मुमरा के बच्चों के लिए जिनको मतलब थोड़ा आगे चांस मिलेगा खेलने के लिए, तो अपने को खुशी होगी और आप उन चाहते खुद है कि अपने मुमरा के प्लेयर जो है आगे जाके इंडिया में या फिर मुमरा के बाहर जाके अपना मुमरा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अगर आपको दो प्लेयर चुनने हो तो आप कौन से दो प्लेयर अपनी टीम में हमेशा शामिल रखना चाहेंगे? कोई भी दो प्लेयर जी। पहला एक आसिम जिसका नाम प्यार से उनको वाचा बोलते हैं जी, वो और दूसरा अहमद। ओके okay. आपको मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिलता है या फिर आपको बोला जाता है कि अपने टीम को फर्स्ट प्राइज दिलाओ, तो आप क्या पसंद करोगे? टीम के लिए खेलता हूँ, सबसे पहली बात तो मैं टीम के लिए खेलता हूँ, अगर टीम अगर जीत रही है तो मेरे को पीछे भी उतरना पड़े तो मैं पीछे ही उतरूंगा, मैं कभी अपने सीरीज के लिए खेलता नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सीरीज बात की बात है, मैं पहले अपनी टीम के लिए खेलता हूँ, टीम जीती तो अपन जीते। लेकिन हमने देखा है अक्सर आप पे आरोप लगता है कि आप खुद के लिए खेलते हो, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक खुद के पास रखते हो, ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खुद खेलते हो, अपना आप स्टैट चेक करते रहते हो क्रिक हीरोज पर ऐप पर, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा तो अभी लोगों का अलग अलग परसेप्शन रहता है, पहली बात तो अभी कुछ लोग अलग मेरे ख्याल में मैं किसी और के लिए कुछ और सोचता हूँ, मेरे जैसे वैसे मैं जिसके लिए सोचता हूँ वैसे दूसरे लोग भी मेरे बारे में अलग अलग परसेप्शन रखते हैं, तो ऐसा देखा है तो मैं ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो मैच में रहना जरूरी है। कैलकुलेशन अलग चीज है, बट नोटिस ये किया जाता है कि आप खुद के लिए खेलते हो? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, खुद के लिए खेलता हूँ, अगर खुद के लिए खेलता तो फिर अभी क्या बोलूं जाने दो, लेकिन ऐसा मैं टीम के लिए खेलता हूँ, टीम को जहाँ जरूरत है मैं वैसा खेलता हूँ, जब तक बैटिंग भी रहो मुझे होप रहता है कि मैं रहूंगा तो इंशाल्लाह मैच निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा सोचता हूँ कि मेरे पास स्ट्राइक रहेगी तो अच्छा रहेगा। कैप्टन रफीक या कैप्टन अरशद भाई? कैप्टन रफीक। रन आउट या कैच? कैच। अगर किसी प्लेयर को कुछ देना होगा आपको तो आसिम बादशाह को क्या दोगे? आसिम बादशाह को बेस्ट बॉलर ऑफ बुमराह, मेरी नजर में आसिम बादशाह बेस्ट बॉलर है बुमराह का। और शाहरुख बंगाली को? शाहरुख बंगाली को एक कॉन्फिडेंट प्लेयर बोलेंगे और थोड़ा उसको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मैच को लेजी ना लिया जाए कभी भी, उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है लेकिन कभी कभी वो थोड़ा लेजी खेल लेते हैं, सोचते कि हो जाएगा, लेकिन प्लेयर एज ए प्लेयर शाहरुख बंगाली बहुत अच्छा प्लेयर है। शानू भाई शेजान ढाबे वालों को एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो एक वर्ड में क्या कहोगे? शानू भाई शेजान वाले दिलदार बंदे। क्या बात है। सबसे इरिटेटिंग कैप्टन आप किसी अंदर खेले हो जो कैप्टन ने आपको बहुत परेशान किया है? ऐसा कोई कैप्टन नहीं जो परेशान करता है, सब लोग अपने अपने लीडिंग में परेशान रहते हैं, मैं भी आइकॉन बन के देख चुका हूँ तो प्रेशर अलग ही रहता है, कैप्टन बन के खेलना और एक तो किसी और का ओनर का पैसा लगा रहता है तो एक अलग ही प्रेशर रहता है, हालांकि एज अ कैप्टन कोई बुरा नहीं रहता है, सब प्लेयर सब अपने लेवल पे अच्छा ही खेलते हैं, लीडिंग में थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन कोई भी प्लेयर बुरा नहीं होता है। यॉर्कर खेलना ज्यादा डिफिकल्ट है या स्लोअर वन? वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेफ्ट आर्म बॉलर से ज्यादा प्रॉब्लम होती है या राइट आर्म? प्रॉब्लम तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं है लेकिन मुझे लेफ्ट आर्म बॉलर लोगों को खेलना बहुत पसंद है। ओके तो थैंक यू वेरी मच मेहताब, आप हमारे टीसीएम टीम के साथ जुड़े। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने टर्फ क्रिकेट में अब तक काफी बार हाफ सेंचुरी लगाई है तो कितनी आपकी अब तक 50s हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ऐसा तो मैं कभी काउंट नहीं करता लेकिन अभी पिछले
लास्ट सीजन में कुछ 3-4 सीजन से मैं मतलब ऑलमोस्ट 6-8 महीने में 4 से 5 50 मार चुका हूँ। ओके, सो कैसे फील करते हो आप हाफ सेंचुरी लगाने के बाद? इसीलिए शायद आप पर आरोप लगता होगा कि आप खुद के लिए खेलते हो। नहीं, ऐसा 50 मारने का तो एकदम प्राउड फील होता है, एकदम स्पेशल मोमेंट रहता है, क्योंकि टर्फ पे 4 ओवर में 50 मारना मतलब बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। तो पहले 50 प्लस भी स्कोर रहता था, विनिंग स्कोर रहता है, लेकिन इंडिविजुअल 50 स्कोर करना वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन टीम के लिए खेलते हैं और अपन कभी स्कोर नहीं देखते कि कितना हुआ अपना, जितनी टीम को नीड है उतना अपन अपना बेस्ट देते। थैंक यू वेरी मच मेहता, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई।